नहीं यार, तुम देख सकते हो कि मैडम को छोड़ के ना सभी लोगों ने रजाई, कंबल, जर्सी, जैकेट सब ओढ़ रखा है। मतलब यार सच में हमारे देश में ना गधों की कमी नहीं है। भैया रात के 2 बजे मुजरा क्यों ना चल रहा हो, लेकिन यार चल देंगे देखने। क्योंकि यार देखो, हवस की आग जब इंसान के अंदर लगती है ना, तो ठंड ना घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकती। क्योंकि भैया ये आग ना थोड़ी ठंड से बुझने वाली है। और भैया कुछ ऐसे भी हरामी लौंडे हैं जो सख्त लौंडे नाम पे कतई कलंक है, जो अगर किसी लड़की को जूड़ा बांधते भी देख लेना तो उनके प्रति उनके मन में हवस की भावना जाग जाती है। और हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं एक अनदर वीडियो मिस्टर फ्रीक चैनल से, इंडियन वियर्ड स्टेज डांस रोस्ट ऑफ भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा स्टेज डांसर्स। ओके मिस्टर फ्रीक, चलो यार इसमें मतलब जो ऑर्केस्ट्रा डांसर्स होती हैं, ठीक है, तो उनका रोस्ट है और मतलब किस किस तरह का वाहियात सा डांस होता है ये सब इसमें हमें वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलो यार ये वीडियो शुरू करते हैं। वैसे मिस्टर फ्रीक ये इनकी शायद मैं पहली वीडियो ये है जिस पर रिएक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इनकी वीडियो पसंद आती है और मेरा रिएक्शन इनकी वीडियो पे पसंद आता है तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो मैं और भी इनकी वीडियोस के रिएक्शन लाने की कोशिश करूँगी। चलो इसी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देन इसके बारे में बात करेंगे। तो यार आज मैं जिस वीडियो के बारे में बात करने वाला हूँ ना, हो सकता है भैया कि तुम्हारी जननेंद्रियां कंट्रोल में ना हो पाए तुमसे। हो सकता है कि भैया तुम अपने होश और हवास खो बैठो। तो यार वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को देखने से पहले कानों में ईयरफोन जरूर लगाएं। अब यार जैसे कि तुम लोग को पता है कि हमारे इंडिया में भी शादियों में, पार्टियों में कुछ मुजरा डांस इस तरह के होते हैं। खासकर यूपी बिहार में तो बहुत ज्यादा। तो भैया अगर तुम्हारे पैरों में कांटे घुस जाएं तो भाई चुभन के साथ साथ तो दर्द भी होगा। लेकिन यहाँ पर जो चुभन की बात हो रही है ना, वो अलग प्रकार के चुभन की बात हो रही है जिसे मैं एक्सप्लेन कतई नहीं करना चाहता। देखो भैया ये जो दर्द और चुभन तभी होते हैं जब तुम रात भर पलंग तोड़ मेहनत कर रहे हो। साला मुजरा देखने तक के तो ठीक है, लेकिन यार देख रहे हो तुम इस इंसान की हवस देखो जरा। तुम वाह क्या बात है यार, ये संस्कारी प्राणी है। और यार अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से देखो ना तो भैया एक चीज तुमको एकदम अलग लगेगी, वो है भैया इतनी कड़ाकेदार ठंड। नहीं यार तुम देख सकते हो कि मैडम को छोड़ के ना सभी लोगों ने रजाई, कंबल, जर्सी, जैकेट सब ओढ़ रखा है। मतलब यार सच में हमारे देश में ना गधों की कमी नहीं है। भैया रात के 2 बजे मुजरा क्यों ना चल रहा हो, लेकिन यार चल देंगे देखने। क्योंकि यार देखो, हवस की आग जब इंसान के अंदर लगती है ना, तो ठंड ना घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकती। क्योंकि भैया ये आग थोड़ी ठंड से बुझने वाली है। और भैया कुछ ऐसे भी हरामी लौंडे हैं जो सख्त लौंडे नाम पे कतई कलंक है, जो अगर किसी लड़की को जूड़ा बांधते भी देख लेना तो उनके प्रति उनके मन में हवस की भावना जाग जाती है। और भैया ऐसे लोग ना जॉनी भैया से भी 10 कदम आगे होते हैं, लेकिन भैया उतने आगे भी नहीं, क्योंकि भैया बाप बाप होता है। मेहनत की कमाई, देखो 2 नंबर की कमाई कैसे लौटाई जा रही है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये किस लेवल की बकचोदी की जा रही है। नहीं अगर तुम इसकी जगह होते तो क्या करते। मैं समझ रहा हूँ। और यार मेरा तो ये मानना है कि भैया अगर तुम्हारे पास ज्यादा अगर पैसा आ गया है ना, तो भैया चैरिटी फंड या गरीबों में दान कर दो। भैया कम से कम दुबा तो मिलेगी तुम्हें। और यार इतने पैसों में तो तुम्हारा नागपुर का, गोवा का, थाईलैंड का, भैया जितने सारे अधूरे ट्रिप है ना, वो तब के कम्प्लीट हो जाते। लेकिन नहीं, यहाँ लक्ष्मी की कदर नहीं है। इतने पैसे देख के ना भैया मेरा मन उखड़ रहा है। अबे इतने पैसों में तो हमारे जैसे लोगों के छोटे मोटे सपने पूरे हो जाते हैं। और यहाँ देखो भैया पैसों की तो ढेरी लगी है।
अब यार इसका कौन सा चैन खो गया है भैया, चैन का तो ना पता, लेकिन यार ये फेस देख रहे हो कितनी खतरनाक और जहरीली डायन लग रही है। कसम वाली बात बता रहा हूँ भैया, ये हमारे मोहल्ले में अगर आ गई ना तो भैया मोहल्ले के बच्चे भाग जाएंगे इसको देख के। अब यार मैं अगर अपने बारे में बताऊं ना तो भैया, कभी कभी अगर मैं ट्रेवल करता हूं चाहे बस में या ट्रेन में, होता क्या है भाई साहब, मुझे रास्ते में मिल जाते हैं कुछ नकली लौंडे। अब यार ट्रेन की टिकट तो 10 रुपए फिर भी ठीक है, लेकिन भैया ट्रेन में सफर करते समय ना 20 रुपए तो उनको देने पड़ जाते हैं। और यार एक बात बताओ, नहीं तुम्हारे बाप ने कभी तुमको चिकना कहा है? अरे भैया वो तो तुमसे पहले ही परेशान है कि यार जल्दी उठ जाया कर, थोड़ा शक्ल सूरत पे ध्यान दे बेटा। और रही गर्लफ्रेंड की बात, तो यार गर्लफ्रेंड ने तुम्हें कभी चिकना कहा है? मुझे पता है यार गर्लफ्रेंड तो तुम्हारी से परेशान होगी कि साला ये जब से कबीर सिंह देख के आया है उसके जैसे बनने की नाकाम कोशिश करते रहता है। और यार अगर रही दोस्तों की बात, तो भैया दोस्तों ने भी कभी तुम्हें चिकना नहीं कहा होगा, लेकिन यार जब तुम ट्रेवल कर रहे हो और उस समय कोई नकली लौंडा आके तुमको चिकना बोल के 50 रुपए टाप के ले जाए, तो भैया कैसा लगेगा? नहीं यार मैं समझ सकता हूँ, तुम नकली बोबे और हथियार देखने के डर से भैया 50 रुपए क्या 100 रुपए दे दोगे। और यार एक बात बताओ, ये किस टाइप का चुनाव सैलून लगे रहता है ये ट्रेन में, जिसमें ना तो भैया कोई चिकने होने की कोई फेशियल होती है और ना भैया तुमको चिकना बनाया जाता है, लेकिन फिर भी 50 रुपए तुमसे टाप के ले जाते हैं। और भैया इन चुनाव सैलून वालों की ना बहुत गाड़ी और मोटी कमाई है यार, 10 रुपए के हिसाब से 1 मिनट में अगर भैया 10 लोग भी देते हैं ना 10-10 रुपए, तो भैया 5 मिनट में ना 500 रुपए कमाते हैं ये लोग। तो भैया 5 मिनट के हिसाब से तुम 1 घंटे की कमाई निकाल लो इनकी, और उस 1 घंटे से तुम पूरे दिन की कमाई निकाल लो, मतलब दया देख रहे हो ना भैया, बड़े बड़े बिजनेस रखे हैं ये लोग। और भैया जो जॉब करते हैं उनकी तो औकात ही नहीं है इनके सामने। अब यार रही हमारे जैसे लोगों की बात, तो यार बेरोजगारी में तुम अगर 50 रुपए भी दे रहे हो ना इनको, तो बहुत बड़ी बात है। अब यार मुझे पता है बहुत से लोग ये बोलने लग जाएंगे कि भाई इनको अगर 10-20 रुपए अगर ना दें तो भाई साहब ये हमें ना बद्दुआ देते हैं। अब एक बात बताओ, तुमने क्या इनकी जागीर छीनी हुई है जो ये लोग तुम्हें बद्दुआ देंगे और भैया तुम्हें बद्दुआ लग जाएगी? अब कौन सा भांग पी के आए हो ये बताओ पहले। भाई साहब इनकी दुआ लेने से अच्छा है ना तुम किसी गरीब की मदद कर दो, या जिनके हाथ नहीं है या पैर नहीं है, जो लोग विकलांग है उनकी मदद करोगे ना, तो भाई साहब उनकी दुआ तुम्हें बिल्कुल लगेगी। लेकिन यार ये ऐसे जो लोग हैं जो ट्रेन में डुप्लीकेट सलून चलाते हैं, जो चिकना बनाते नहीं है, खाली बस चिकना बोल के 50 रुपए टाप के ले जाते हैं, भैया इनकी कौन सी बड़ी दुआ लग रही है तुम्हें? नहीं एक बात बताओ, इनकी दुआ लेकर के तुमने अपने जीवन में कौन से झंडे गाड़ दिए? देखो यार अंधविश्वास एक बहुत खतरनाक चीज है जिसे अपने मन में नहीं पालना चाहिए। देखो यार मैं सभी लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन यार ये जो नकली लौंडे है ना भाई, मैं किन्नरों की बात नहीं कर रहा हूँ, नकली लौंडों की बात कर रहा हूँ, जो तुमसे पैसे लूटने के चक्कर में तुमको स्टेशनों में या बस स्टैंड में तुमको मिल जाएंगे। तो भैया किसी हरामी इंसान ने खूब लिखा है कि भैया चलती हुई ट्रेन में नकली हिजड़ों से और हो रहे पार्टियों में लड़कियों के मुजरों से, बेटा जितनी दूर रहोगे ना उतना सही है तुम्हारे लिए। अब यार मान के चलो कि तुम रात के 2 बजे सोए हो गहरी नींद में और अमावस की रात है और बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं, और यार उसी टाइम अगर तुम्हारे फ्रेंड का फोन आ जाए रात के 2 बजे और तुमसे ये कहे, वो सब्जी मंडी धोरे ना मुजरा चलो है चले को देखने, तो भाई मना नहीं करोगे तुम? भले किसी भी हालत में रहो, कच्छा पहने रहो या भैया कंबल ओढ़ के सोते रहो, हो सकता है कि मुजरा देखने की खुशी में इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाओ, इतने ज्यादा पागल हो जाओ कि भैया घर से कंबल ओढ़े निकल लो। और भैया अगर तुम पहुंच गए मुजरा देखने के लिए, तो भैया मैं कह नहीं सकता कि वहां तुम एंजॉयमेंट करो या ना करो, लेकिन भैया घर आके मास्टरबेशन जरूर करोगे। तो यार बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और यार वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और हाँ यार मुझे पता है कि आवाज थोड़ी सी दबी दबी टाइप से आ रही होगी मेरी, तो यार थोड़ी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है, तो यार इसके लिए थोड़ा समझ सकते हो तुम लोग। तो यार चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। ओके यहाँ पे ये वीडियो खत्म। एंड सही बात है यार, ऑर्केस्ट्रा डांस जहाँ भी चल रहा होगा भाई, एक बार किसी को मतलब बोल दो कि हाँ भैया वहाँ पे डांस चल रहा है, ठीक है, और क्या गजब की लड़कियाँ नाच रही हैं भाई, मतलब छा गई ऐसी, और देखो फिर पैरों में पहिए बन जाते हैं, वो भी नॉर्मल वाले नहीं, एरोप्लेन वाले, उड़ के जाते हैं उड़ के, ठीक है। तो पहली बात तो भाई शादियों में ऐसे घटिया डांस रखवाए जाते हैं, ठीक है, और किस लिए? ताकि जो आने वाले बराती हैं उनका एंटरटेनमेंट हो सके, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए तुम लड़कियां नचवा रहे हो और दूसरी साइड तुम्हें बहू घूंघट में चाहिए, है ना, तो वाओ क्या बात है, मतलब
सोच की तुम्हारी सोच के लिए ना ये उल्टी तालियां बननी चाहिए, उल्टी तालियां बजनी चाहिए सच में। मतलब हद है यार, लोगों की सोच ना कभी नहीं बदलेगी। इंडिया में इन जैसे लोगों की सोच तो कभी नहीं बदलेगी, भले दुनिया मंगल के आगे प्लूटो तक पहुंच जाए। ठीक है, तो खैर यार तुम लोग मुझे बताओ रिएक्शन कैसा लगा तुम्हें कमेंट सेक्शन में, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।